हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर पीसी पे किस तरह से जो है किसी भी मूवी में अपने आप को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मूवी पे जो है आप हीरो को रिमूव करके उस पर जो है आप अपना वीडियो जो है बना सकते हैं। कैसे? ऑलरेडी जो है मैंने काइन मास्टर पे, जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं जिनके पास पीसी नहीं है या फिर ऐसा पीसी नहीं है जिस पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो सके, ऐसा पीसी या लैपटॉप नहीं है और वो फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो उनके लिए जो है मैंने काइन मास्टर पे एक वीडियो बना रखा है जिससे किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप लिंक में क्लिक करके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो दरअसल मेरे एक व्यूअर हैं, एक भाई हैं, जिन्होंने कहा था कि इस टॉपिक पे जो है एक एडोबी आफ्टर पे किस तरह से अपने आप को किसी भी मूवी में इंसर्ट करेंगे, किस तरह से हम उस मूवी पे अपना वीडियो बनाएंगे रिमूव करके, तो उसको बनाने के लिए कहा था, तो मैं उन्हीं के लिए जो है बना रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो अगर आप देख लीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल जो है ये एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है, अभी तक मैंने इस पर कोई वर्क नहीं किया है, जस्ट मैंने जो है एक क्लिप लिया है, ये रवड़ी राठौड़ का क्लिप है, तो आप देख सकते हैं रवड़ी राठौड़ का ये क्लिप है। और इसको सबसे पहले तो मैंने जो है 30 सेकेंड का क्लिप जो है लिया हुआ है, और उसके बाद में हर कैमरे का फ्रेम, मतलब जहाँ से जो कैमरा कट होता है तो उस हर क्लिप को जो है मैंने यहाँ से स्प्लिट करके रखा है। आपको अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट का बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, तो मैं जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो ट्यूटोरियल है वो भी आप लोगों को देना चालू करूँगा, तो शुरू से लेके। तो फिलहाल जो है ये एक उन लोगों के लिए है जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जैसा किस तरह से क्लिप को स्प्लिट करना है, मतलब कट करना है, उसके बाद में उसको डुप्लीकेट कैसे करना है, तो ये सारा चीज़ जो है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैंने जो 30 सेकेंड का ये वीडियो का क्लिप है इसको मैंने लिया है, और ये प्रोजेक्ट पे मैंने अभी काम शुरू भी नहीं किया है, जस्ट मैं जो है आज इस वीडियो में कोई भी एक क्लिप जो है, एक क्लिप है उसको मैं रिमूव करके उसमें एक एग्जांपल की तरह से जो है आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपना वीडियो को रिमूव करता हूँ। तो चलिए ये वाला जो क्लिप है इस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, ये वाला क्लिप। तो जैसे कि ये वाला क्लिप है, इस पर मेरे को यहाँ हीरो जो है इनको रिमूव करना है और इसकी जगह अपने आप को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो रिमूव का ही होता है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इतना जो है इस क्लिप को इतना स्प्लिट करके इतना बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। तो कीबोर्ड में हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और उसके बाद में जो है ये डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम जो है सबसे ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है हमको इस क्लिप पे हमको रोडोस्कॉपी करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो है आपको अपना जो पहला ऊपर वाला क्लिप सिलेक्टेड है, यहाँ से पेन टूल लेना है, और यहाँ से जो है हमको पेन में मतलब रोडोस्कॉपी इस तरह से करते जाना है, रफली जो है हमको इसको ये करना है। तो जैसे देख सकते हैं कि मैंने पेन टूल की मदद से जो है यहाँ साइड में इस तरह से कट कर दिया है, और यहाँ से चलिए मैं इसको यहाँ आई बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो इस तरह से जो है हमारा ये हो गया है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर वाला लेयर को हम सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे हम एम प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इस वाले ऑप्शन में यहाँ ऐड का ऑप्शन है, यहाँ जाके अगर हम सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख लीजिए यहाँ ये हीरो जो है ये जगह मतलब ब्लैंक हो गया है, यानी कि ये इरेज हो चुका है। अब हमको जो है इस जगह को फील करना है, मगर उससे पहले जो है हमको जो है पूरा जो सीन है, मतलब पहला जो सीन है इसको यहाँ अगर देखेंगे तो देख लीजिए ये एक जगह पे ही लटका हुआ है, तो इसको हमको जो है पूरा जो है रोटोस्कोपी करना है, पूरा प्रोसेस करना है। तो चलिए इसको जो है सॉरी, फिर से मैं एम प्रेस कर देता हूँ,
और यहाँ से सब ट्रैक को इसको फिर से मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे वाला जो आई बटन हमने क्लिक करके इसको क्लोज किया था, इसको ओपन कर लेते हैं ताकि हमको जो है आसानी हो रोटोस्कोपी करने में। अब इसके बाद में जो है इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये रफली है, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ से जो है हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लार्ज, ताकि हमको जो है हर फ्रेम समझ में आए। तो ये हो गया। तो यहाँ से जो है आप देख लीजिए, सबसे स्टार्टिंग में हम ले जाते हैं और ये रहा, यहाँ से सीन चालू है। तो अब हम ऊपर वाले जो है लेयर है इसको क्लिक करते हैं और एम प्रेस करते हैं, और उसके बाद में यहाँ आप मास्क पाथ का ऑप्शन आपको नज़र आता है, तो यहाँ ये की फ्रेम है, इसको हम को क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये तीनों लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो तीनों लेयर के सिलेक्ट नहीं करना है हमको, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। अब जो है हम यहाँ से तीन या चार फ्रेम आगे बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने 5 फ्रेम जो है आगे बढ़ाया है, और अब जो है हम यहाँ से अब पेन टूल की ज़रूरत नहीं है, हम इस वाले टूल को जो है सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में इसका जो एज है इसको हमको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से जो है इसको रोडोस्कोपी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपको एडजस्ट करना है हर 5 फ्रेम पे। अगर आपको, अगर यहाँ से इसको कलर भी चेंज करना चाहते हैं, आपको जैसे कि यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है हम इसका कलर भी हम कुछ डार्क सा रख सकते हैं। तो देखिए अब हमको जो है थोड़ा आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको करना है। ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग काम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये अपना पहला 5 सेकेंड का फ्रेम में हो गया, तो फिर हम 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम फिर हमने लिया, और इसको फिर से जो है हम हर 5 सेकेंड में, 5 फ्रेम में, सॉरी सेकेंड नहीं है, 5 फ्रेम होता है वो, 5 फ्रेम में जो है हमको इसको इस तरह से एडजस्ट करना है इस सारे पॉइंट्स को, ताकि हमारा जो हीरो का कोई भी जो पार्ट्स है, कुछ भी जो है वो इस लाइन के बाहर मतलब नज़र ना आना चाहिए, सब अंदर रहना चाहिए। सो गाइस, इस तरह से जो है मैं पूरा हर 5 सेकंड में इसको क्लिप को पूरा करता हूं, और उसके बाद में जो है आपको मैं कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो वीडियो को यहां पॉज करता हूं, पूरा प्रोसेस के बाद आपसे मुलाकात करता हूं मैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है अपना पूरा की फ्रेम कर दिया है, और आप जो है इस तरह से हर फ्रेम में चेक कर लीजिए, कहीं अगर आपको कुछ भी थोड़ा मिस्टेक आता है तो वहाँ जो है आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, ताकि वो जगह जो है सही से हो, और थोड़ा सा भी जो है कुछ एज वगैरह जो है कुछ भी ऑब्जेक्ट का जो एज नहीं रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा में ही कीजिए। और इसको जब पूरा आप पूरा सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ आपका जो रोटोस्कोपी है वो सही हो गया है पूरी तरह से, और कहीं भी ऑब्जेक्ट का जो है एक्स्ट्रा जो है पार्ट्स जो है वो एज के बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस क्लिप में इसको यहाँ कर देता हूँ, ताकि जो है हम इस एक क्लिप पे परफेक्टली काम कर सकें। तो ये सही है, और यहाँ से सही है। तो हमारा जो रोटोस्कोपी है इस पर्टिकुलर सीन पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसा जगह जो है सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हम मैक्सिमम जो है हमारा बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड हमें मिल सके, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक फ्रेम है, यहाँ से चले लेता हूँ, या फिर इस जगह, ठीक है, तो इस जगह को मैं ले लेता हूँ, मतलब इस पॉइंट पर। तो हम यहाँ सबसे पहले जो है टाइम देख लेते हैं, ये है 16 मिनट 12 सेकेंड, सॉरी 16 सेकेंड और 12। तो ये नंबर आप ध्यान रखिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम ये क्लिप जो है हमारा ये सिलेक्ट है, चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से जो है हम इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कंपोजिशन में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सेव फ्रेम एज फोटोशॉप लेयर पे हमको सिलेक्ट करना है, और इसको जो है हम
सेव करेंगे। तो यहाँ जो है मैं 1 दे देता हूँ, और हमको जो है फोल्डर भी लेना है, तो मैं यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है इसी प्रोजेक्ट का जो फाइल है, आई थिंक लवली रॉथ और रहेगा फाइल, तो मैं उस जगह पे ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मतलब फाइल को सेव करता हूँ। तो आई थिंक कहाँ गया, PQR, रवली राठौर, रवली राठौर, ये है रवली राठौर, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम इसको अब सेव कर देंगे, तो हमारा ये फाइल जो है यहाँ सेव हुआ। अब इसको हम कट नहीं करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देंगे, और हम जो है ओपन करेंगे फोटोशॉप। सो गाइस, ये जो है हमारा जो फाइल है वो सेव हुआ फाइल है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अपना फोटोशॉप जो है सॉफ्टवेयर है उस पर ओपन हो जाएगा। आपके पास जो है फोटोशॉप जो है एडोबी फोटोशॉप CS6 जो है ये मेरे पास में है, आपको जो है ये भी रहना ज़रूरी है। तो इस पर हम जो है इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो है ये इमेज आ चुका है। अब हमको जो है यहाँ से फोटोशॉप पे इस इमेज पे वर्क करना है, तो यहाँ से मैं इस वाले टूल को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से जो है हमको इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद में हम अपने माउस पे जो है इस वाले में इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाले, यहाँ 2 लेयर हैं, और इसको जो है हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ फिल का ऑप्शन जो है हमको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद में ये सारा चीज़ सही है, ओके पे क्लिक करना है, और इसको जो है क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा, आप देख लीजिए, इस तरह से हमारा जो है ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है। इसको थोड़ा अगर हम बड़ा करना चाहें तो हम ये, तो थोड़ा अगर कुछ आप एडजस्ट करना चाहें यहाँ, तो यहाँ से जो है आप जो है इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप इस तरह से, थोड़ा बहुत आप अगर कुछ करना चाहते हैं जो आपके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इतना सही है, हो जाएगा, इस इतना में काम अपना बन जाएगा। अब जो है हमको इसको सेव करना है, तो यहाँ से हम फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फाइल नेम, ठीक है, और यहाँ से हमको जो है सिलेक्ट करना है JPEG फाइल, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो है यहाँ हम वही है रवि राठौर का जो जो फोल्डर है उसी पे ही हमको सेव करना है। तो इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, ओके। तो ये सारा चीज़ सही है, अब ओके कर देना है, और हमारा जो फाइल है वो सेव हो गया है। तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ, तो ये हमारा जो है इमेज है वो सेव हो गया है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है हमने फ़ोटो में से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो एक साथ इतना सारा सॉफ्टवेयर सब ओपन है, फाइल वगैरह ओपन है, इस वजह से थोड़ा सा स्लो है मेरा PC। तो देख लीजिए, इस तरह से हमारा जो है इमेज, बैकग्राउंड इमेज रेडी हो गया है। अब इसको हम यहाँ से बैक कर देते हैं, और फोटोशॉप को जो है हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और नो कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस इमेज को हमने पकड़ा, और एडोबी आफ्टर इफेक्ट में हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ लेके छोड़ देते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस इमेज को लेके यहाँ से इन इन दोनों जो दो वीडियो जो है दोनों के बीच में हमको लेके छोड़ देना है, तो इस तरह से आ जाएगा। और इसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे, और अपने कीबोर्ड पे S प्रेस करेंगे तो स्केल का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से जो है हम इसको स्क्रीन पर
इस तरह से फिट कर देंगे, ठीक है, फिट कर देंगे, परफेक्ट। तो इस तरह से जो है हमारा ये सीन जो है फिट हो गया है। अब हमको जो है इसको, चलिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं, और यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ पहले अगर हम देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा हिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो टाइमिंग था ये परफेक्ट है, आई थिंक ये सही है। तो इसको जो है हमको ट्रैक करना है, बैकग्राउंड को ट्रैक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टाइमिंग हमको पता है 16 सेकेंड 12 में पॉइंट 12 में। तो अब स्टार्टिंग लाइन पे हम इसको ले जाते हैं, ठीक, और ये राइट। अब हम जो है नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ राइट साइड में हमको ट्रैक मोशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कर देंगे और ट्रैक मोशन हो गया। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं स्केल। अब जो है हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको जैसे चाहे, ठीक है। इसको हम बिल्डिंग के किसी भी एक डार्क साइड में इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी इसी तरह, किसी भी डार्क पॉइंट पे हम इसको इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ से जो है हम चाहे तो इस वाले बटन को दाब के एक साथ ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, या वन बाय वन फ्रेम हम जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रैक हमारा बैकग्राउंड जो है वो ट्रैक हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रैक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में ज़्यादा मूवमेंट है ही नहीं, तो उतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारा जो है ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो मोशन ट्रैक हो चुका है। इसके बाद में हम जो है लेयर पे जाएंगे, एक न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे हमको जो है एक सॉलिड, सॉरी नल ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना है। तो हमारा ये नल ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो चुका है, और इसके बाद में हम जो है एडिट टारगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और लेयर पे हम सिलेक्ट करेंगे नल ऑब्जेक्ट। यहाँ देख सकते हैं नल ऑब्जेक्ट वन है, नल वन है। तो हमको जो है, सॉरी क्या हो गया भाई, तो हमको जो है नल पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो है हम ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ जो है अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, अप्लाई में यहाँ एक्स एंड वाई ये सिलेक्ट रहेगा, इसमें से आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसको ओके। तो ये जो है एक पॉइंट बन गया। तो यहाँ जो है ये हमारा बैकग्राउंड ट्रैक होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम जो हमारा 16.12 है इस वाले पॉइंट पे ले जाएंगे, और यहाँ से जो है हमको हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हमको लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नल ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हम करेंगे, तो ये हमारा जो इमेज है तो यहाँ नन है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ नो ट्रैक मैट है, सॉरी ये नहीं भाई, यहाँ नन है, तो ये इस नन है। तो यहाँ से जाके हमको नल वन पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उस वो जो है नल ऑब्जेक्ट जो हमारा बैकग्राउंड ट्रैकिंग है, बैकग्राउंड जो ट्रैक कर रहा है कैमरा, उसके साथ लिंक हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम अपना इमेज है उसको भी ऑन कर देते हैं, और अब जो है हम क्या करेंगे, अपना जो ऊपर वाला जिसको हमने रोटोस्कोपी किया था, चलिए मैं आपको ये दोनों को बंद करके दिखा देता हूँ। तो हमने जो है नल, सॉरी जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है इसको हम बंद कर देते हैं, और ऊपर वाला जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एम प्रेस करेंगे, और पहले जैसे मैंने बताया था ऐड है, इसको जो है हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारा जो है ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है, और अब अपना जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ में परफेक्टली, मतलब बैकग्राउंड के साथ में कैमरा जो मोशन ट्रैक है ट्रैक हो चुका है।
सो गाइस हमारा जो है ट्रैकिंग जो है वो हो चुका है। अब जो अपना जो एक्स्ट्रा ये क्लिप है नल अपडेट है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, तो मैं इमेज को भी चलिए स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ जो है हमारा ये वाला सेक्शन जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। थोड़ा सा और थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है, जैसे कि इस पर्सन में आप देखिए तो यहाँ आपको हल्का सा लाइनिंग नज़र आ रहा है, तो इसको हमको मेकअप करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर वाला लेयर जिसको हमने रूडोस कॉपी किया है, तो इसको हमको क्या करना है, 2 बार M अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है, 2 M। ठीक है, और यहाँ आपको जो है मास्क फेदर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लगभग 3 से 5 के अंदर रखिए, कम बेसी एडजस्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, 10 में चलिए रख के देखते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ये आपको हो गया, अब उतना पता नहीं चला, थोड़ा सा जो है ये उसका एज जो है वो साफ पूरा साफ नहीं है, थोड़ा सा फैट टाइप का हो गया है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो गया पहला क्लिप का। अब इस पे जो है हमको अपना जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उसको ऐड करना है। तो फिलहाल जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने कोई भी शूट नहीं किया है, फिर भी मैं अपने जो है कोई एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस एक जो है कोई सा भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, मैंने जो है कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा वीडियो इस वीडियो के लिए शूट नहीं किया है ग्रीन स्क्रीन के लिए। ठीक है, तो इसको जो है हम इस 2 वीडियो के टॉप में ले जाते हैं, इसको स्केल, और यहाँ से इफेक्ट में जाके इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ कीइंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से जो है की लाइट 1.2 इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो है इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इस तरह से जो है हमारा बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से जो है बहुत सारा एडजस्टमेंट है, कम बेसी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये की जस्ट एग्जाम्पल है आपको सिर्फ बताने के लिए है, आप जो है परफेक्ट अपना शूट वगैरह जो शूटिंग वगैरह जो भी है करना है कर सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो चलिए मैं इसको भी इन सारे ऑप्शन को भी बंद कर देता हूँ, ताकि परफेक्टली जो है हम अपना क्रोमा की जो है वो कर सकते हैं, है ना। और इसको भी जो है आप पेन के मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह हो गया, और यहाँ से चलिए हम इसको ऑन कर देते हैं। अब मेन चीज़ होता है कि अब यहाँ जो अपना मेन काम हो जाता है वो है अब फ्रंट लेयर किस तरह से बनाया जाए। तो यहाँ आप देखिए, तो इस सीन में जो है मैं अब यहाँ से ऊपर आ गया हूँ, और इस जो ऑब्जेक्ट है इसका जो शोल्डर है वो हमारे इस जगह में आना चाहिए। तो इसके लिए 2 चीज़ हम कर सकते हैं, या तो जैसे कि हमने इस वाले लेयर को हमने डुप्लीकेट किया था ये, तो इसको इसका जो है एक और हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया और ये डुप्लीकेट हो गया। अब इस वाले जो लेयर है वीडियो लेयर है इसको हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये ऑफ है, इसको ऑन कर दिया हमने, इस तरह से हो गया। अब हमको इस पर्सन का जो है मास्किंग करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर से पेन टूल लिया, थोड़ा सा चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से जो है इस वाले पर्सन को हमको रोडोस्कॉपी करना है। तो मैंने पेन टूल लिया और यहाँ से एक रफली आपको बता रहा हूँ, इस तरह से शोल्डर में हम मास्क कर देंगे, एक रफली जितना हमें चाहिए, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, तो मैंने सिर्फ इतना ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम अपना जो इमेज है शूटिंग वाला जो इमेज है जो जो ग्रीन स्क्रीन इमेज है इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक पट्टी लगाना है एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से तो ये हो गया। अब यहाँ
इस पर वाले पर्सन को भी आपको हर 5 सेकंड के बाद में रोटोस्कोपी कंप्लीट करना है, उस तरह जिस तरह मैंने पहले किया था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी जो है मूवमेंट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो आपको इसको भी इस तरह से रोटोस्कोपी करना है। और उसके बाद में आपको बारी आता है यहाँ पट्टी लगानी है, ब्लैक पट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ से हम लेयर में जाएंगे, न्यू में सिलेक्ट करेंगे और एक सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड का कलर रहेगा ब्लैक, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया ओके, तो इस तरह से ये आ गया। इसको जो है हमको सबसे टॉप में रखना है, तो क्या हो, सबसे अगर टॉप में हम रखेंगे ना, तो ये क्या होगा, अपना पूरे सारे वीडियो पे वर्क कर जाएगा। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एस प्रेस करके थोड़ा सा इसका जो स्केल है थोड़ा बड़ा कर देंगे, और इसको हम इस तरह से घींच के यहाँ लगा दिए। और इसको जो है इसका भी हम डुप्लीकेट कर देते हैं, और ऊपर वाले से करके इसको जो है ऊपर में इस तरह से पट्टी लगा देते हैं। तो ये सिंपल स्टेप है, तो इस तरह से जो है हमारा सिनेमैटिक लुक आ गया। और हम जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जो है एंटर कर चुके हैं अपने सीन पे। तो इस तरह से हमारा सीन जो है हो चुका है। अब इसको भी जो है हमने अभी जो अपना फ्रंट लेयर है इसको रोडोस्कोपी किया नहीं है, तो इसको भी हम रोडोस्कोपी कर सकते हैं। और चाहे तो हम भी इसको जैसे डबल एम प्रेस करके, डबल एम प्रेस किए और इसको भी जो जो मास्क फेदर है इसको कम बेसी थोड़ा हल्का सा जो है थोड़ा फेदर दे सकते हैं, ताकि वो पूरा एज जो है शार्प ना, पूरा एकदम शार्प ना दिखे, थोड़ा सा जो है फेड टाइप का थोड़ा सा दिखे पिक्सल इसका जो है ये हो, उस तरह से हम कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो वीडियो था, तो मैंने पूरा कोशिश किया इस वीडियो में पूरा नया तरीके से, कोई भी प्लान नहीं था, ये वीडियो बना के मैं आपको दिखा रहा था, दिखाना चाहता था। और इसके बारे में एक भाई ने मुझसे कहा भी था, तो किस तरह से हम बनाएं। तो इस वीडियो में आई थिंक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो लंबा है, पता है लंबा होगा, क्योंकि ये इस तरह का वीडियो सिर्फ आप देखिए, ये सिर्फ उस सेकंड का वीडियो है, इसको बनाने में मुझको कितना टाइम लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं 30 सेकेंड का वीडियो भी वर्क करता हूँ तो कितना टाइम लगता होगा। तो काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगता है, मगर बात वही है कि छोटा सा क्लिप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो एडोबी आफ्टर फोटोशॉप की मदद से जो इस तरह बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो है और भी बहुत सारा चीज़ें हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मुझे भी यूट्यूब पर आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।